में देखने वाले हैं आज क्लास 10वीं। ठीक है, 10वीं का जो साइंस है और हम लोग जो क्वेश्चन देखे थे वो 41 तक क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, मॉडल पेपर का तो 42वां नंबर क्वेश्चन और उससे आगे हम लोग इसमें देखते हैं। और ये सभी क्वेश्चन बता दें कि आप अपने भाषा में लिखने का प्रयास करें। अगर आप अपने से लिखते हैं तो आप 6 नंबर रिसीव कर सकते हैं, या अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि 42वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं, सबसे पहले समझिए रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वैसी अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ में होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझे या नहीं समझे, मतलब की बात आया यहाँ पे उपचयन और अपचयन। तो उपचयन अपचयन मतलब उपचयन अभिक्रिया कहते किसको है, तो उपचयन अभिक्रिया के बारे में आप जानते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, उपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन जुटेगा। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जाके यहाँ पे जुड़ गया। तो उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटेगा जबकि अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटेगा। इससे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इसमें आके ऑक्सीजन क्या हुआ, हट गया कि नहीं हट गया, इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ में होगा उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या फिर आप ऐसा लिख सकते कि वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग ऑक्सीजन का योग एवं ऑक्सीजन का वियोग होगा उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप इसे लिख लीजिए, बहुत अच्छा आसान भाषा में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कहता है कार्बन यौगिक के आणविक सूत्र तथा संरचना लिखें। तो कार्बन यौगिक के आणविक तथा संरचना सूत्र अगर लिखना है तो सबसे पहले दिया हुआ ब्यूटेनॉन, दूसरा है क्लोरोपेंटेन और तीसरा है मेथेनॉन। तो ब्यूटे मतलब कि C4 के बारे में बात कर रही है, कार्बन इसमें 4 रहेगा और नॉन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ब्यूटेनॉन का क्या होता है, आणविक सूत्र लिखने के लिए कहा है। तो अणु सूत्र जो होता है वो होता है CH3CO CH2 5। देखिए इसमें ब्यूटेनॉन का ये होता है, ठीक है, 4 है इसमें कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन और 2 4 कार्बन, इसका आण्विक सूत्र ये होता है। अब संरचना सूत्र अगर आपको लिखना है ब्यूटेनॉन का, तो ब्यूटेनॉन का संरचना सूत्र अगर आपको लिखना है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आप क्या है सर, कि इसमें आप क्या कर सकते हैं कि कार्बन कितना है, 5 गो है तो 4 गो है, 4 कार्बन आप बैठा दीजिए। ठीक है, उसके बबाद सभी में हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ के 3 हाइड्रोजन इसमें है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिए हम लोग, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिए हैं, फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिए हम लोग और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिए। ऑक्सीजन बच गया, तो देखिए यहाँ पर कार्बन के घर को फुलफिल करने के लिए 2 अणु की ज़रूरत है, ऑक्सीजन के घर भरने के लिए 2 चाहिए, तो ये दोनों 2-2 ट्रांसफ़र कर लेगा। इस प्रकार से आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरोपेंटेन। तो क्लोरोपेंटेन है तो पेंटेन मतलब 5 C5 होगा। ठीक है, क्लोरोपेंटेन और यहाँ पे देखिए अब क्लोरो लगा है तो Cl लगल रहेगा। ठीक है, तो Cl लगा हुआ रहेगा तो इसका आण्विक सूत्र होगा C5H11Cl। ठीक है, C5H11 और Cl होगा। ठीक है, ये हो गया क्लोरोपेंटेन का आण्विक सूत्र और संरचना सूत्र। देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, सबसे पहले तो देखना है कि कार्बन कितना है, तो 5 कार्बन है, तो हम लोग 5 कार्बन धड़ाक से दे दिए हैं। ठीक है, 5 कार्बन दे दिए। अब ये 5 कार्बन में हाइड्रोजन कितना, पहले हाइड्रोजन को भी बांट लेते हैं। तो हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाइड्रोजन भी बैठा दिए, लेकिन यहाँ पे कार्बन का घर फुल नहीं हुआ, एक यहाँ पे दिया, एक यहाँ दिया, लेकिन एक इसका बच गया है, तो इस एक को बच करने के लिए यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, इसलिए Cl इस जगह पे हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पे हो सकता है क्लोरोपेंटेन ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, तो क्लोरो बोल रहा है तो Cl जोड़ देंगे, ब्रोमो बोलेंगे तो Br जोड़ देंगे, बस यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेथेनॉल का आण्विक सूत्र क्या होता है। तो मेथेनॉल का आण्विक सूत्र होता है CH3OH और इसकी संरचना क्या होती है, तो इसकी संरचना होती है CHHOH, यही इसकी आण्विक संरचना होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मनुष्य के तीन हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखें। तो मनुष्य में बहुत सारे हार्मोन पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका क्वेश्चन थोड़ा सा ये हो गया है कि मनुष्य के किन्हीं तीन हार्मोन का कार्य लिखें या मनुष्य में जनन तीन हार्मोन का नाम लिखें, ये क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन के यहाँ पे के तीन हार्मोन, तो कोई भी हम लोग तीन हार्मोन का नाम लिख सकते हैं। तो मनुष्य में किन्हीं, तो हम लोग लिख सकते हैं मनुष्य के तीन हार्मोन इस प्रकार से है। पहला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब इस हार्मोन का कार्य क्या है जान लेते हैं हम लोग। शुक्राणु का निर्माण करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या कार्य करता है? शुक्राणु का निर्माण करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन। अब एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या है ये भी हम लोग जान लेते हैं कि द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास एवं जनन शक्ति का विकास करना होता है एस्ट्रोजन का, जो ये मादा में पाए जाते हैं। और प्रोजेस्ट्रोन का क्या हार्मोन का क्या काम है, ये भी जो मादा में पाए जाते हैं वो भ्रूण के विकास एवं पोषण में सहायकता करता है। तो आप तीन हार्मोन और लिख सकते हैं इस प्रकार से। और भी आप अगर मनुष्य हार्मोन बोला गया है तो थायराइड हार्मोन लिख दीजिए, थायरॉक्सिन हार्मोन जिसको कहते हैं, इंसुलिन हार्मोन को लिख दीजिए, बहुत सारा हार्मोन आप इसमें लिख सकते हैं, उसका कार्य को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान क्यों दे रहे हैं। तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, इसीलिए हम लोग वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान दे रहे हैं। देखिए जीवाश्म ईंधन क्या है कि ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है तथा इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। देखिए एक बार हम लोग जीवाश्म चीज को ख़त्म कर देंगे, जीवाश्म ईंधन को ख़त्म कर देंगे तो बनने में हजारों लाखों करोड़ों वर्ष लगेगा। तो इसीलिए इसको संरक्षित रखने के लिए पृथ्वी के गर्भ में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि सीमित मात्रा में मौजूद है। यदि इनका प्रयोग इसी प्रकार से करते रहे तो शीघ्र ही यह समाप्त हो जाएगा। अतः हमें ऊर्जा के संकट से निपटने के लिए हमें ऊर्जा की वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान देना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है। जो ओजोन परत की क्षति है वो क्या है, हमारे लिए चिंता का विषय है। इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, और जो ये क्षति हो रहा है इसको सीमित करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं या क्या कदम उठाने चाहिए हम लोगों को। तो देखिए ओजोन परत की क्षति हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है। क्योंकि क्षति अधिक होती है तो अधिक से अधिक प्रावैंगनिक किरण अल्ट्रावायलेट रेयर मतलब यूवी, ठीक है, यूवी किरण पृथ्वी पर आएंगी जो हमारे लिए निम्न प्रकार से हानिकारक प्रभाव डालेगी। तो ओजोन की परत अगर अधिक क्षति हो जाएगा तो इसलिए चिंता का विषय, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली प्रावैगनिक किरण पृथ्वी पर पहुंच जाएगी और पृथ्वी पर पहुंचेगी तो हमारे लिए बहुत हानिकारक प्रभाव डालेंगे। क्या क्या डाल सकते हैं समझिए। इनका प्रभाव त्वचा पर पड़ता है जिससे त्वचा के कैंसर संभावना बढ़ जाती है। क्या होता है कि अगर ओजोन नहीं होता और सूर्य की प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंचती तो अगर आपके त्वचा में अगर वो किरण पड़ती है अल्ट्रावायलेट किरण वाले रोशनी, तो क्या होगा कि आप त्वचा कैंसर आपके अंडर में हो सकता है। पौधों में वृद्धि दर कम हो जाएगी और पौधे में वृद्धि दर कम हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ओजोन परत को क्षति हम लोग इस प्रकार से कम कर सकते हैं। उपाय आप ये सुझा सकते हैं कि ओजोन जो है एरोसोल तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक का कम उपयोग करके इनको हम लोग बचा सकते हैं। सुपरसैनिक विमानों का कम से कम उपयोग करना चाहिए हम लोगों को और संसार में नाभिकीय विस्फोट पर नियंत्रण करना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग ओजोन परत की क्षति को हम लोग रोक सकते हैं और एक बचाने की ओर कदम उठा सकते हैं। ठीक है, हम लोग घर तरफ जो चूल्हा चौकी जलाते हैं इस चूल्हा चौकी से निकलने वाले धुआं ओजोन को अफेक्ट करता है। हम लोग कच्चा लकड़ी जलाते हैं, ठीक है, अभी ठंडी का मौसम है, ठंडा का मौसम में हम लोग कच्चा लकड़ी जला देंगे वगैरह वगैरह, जो लकड़ी अच्छा से नहीं जलेगा, जिसको हम लोग अपना भाषा में कह सकते हैं कि कोराए के जलता है ना, तो वो उससे भी अधिक मात्रा में ओजोन को क्षति करेगा। वो उस धुआं बहुत अधिक मात्रा में वो जल क्षति करता है। ठीक है, जल गया वो थोड़ा कम करता है वो, लेकिन कम, लेकिन जो नहीं जल रहा है धुआं सिर्फ कर रहा है वो ओजोन को अधिक मात्रा में क्षति करता है। ये सबसे बचना चाहिए हम लोगों को और इससे ओजोन को बचा सकते हैं हम लोग। ठीक है,
इसी प्रकार से हम लोग जो सेक्शन बी का क्वेश्चन था, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, उसको हम लोग देख लिया। अब हम लोग के पास जो बचा हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लघु उत्तरीय तो देख लिया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि ये वीडियो लंबा हो चुका है। अगर आप वीडियो को नहीं देख पार्ट वन को नहीं देखे हैं तो आप वीडियो चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ से जाके पार्ट वन को आप देख लीजिए, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब उसमें है। तो चलिए साथियों वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन नए वीडियो लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।